लाभाया चंद्रार्ताग्रत शेखराम जपमाला कमंडल धरा ब्रह्मचारिणी शुभा। मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज, द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी का दिन, हम सब ब्रह्मचारिणी माँ के बारे में जाने, उनका पूजन क्या है, उनकी विधि क्या है, और किस वस्तु से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, और ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से हमें क्या मिल सकता है, इसको जाने। माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या है? ब्रह्म मतलब होता है तपस्या, चारिणी मतलब आचरण। ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से हमें तप करने की शक्ति और हमारे आचरण दोनों शुद्ध होते हैं, आचरण के साथ विचार भी आपके शुद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मचारिणी की स्मरण करने मात्र से जो भी भक्त माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता है, तप करता है, उसके जीवन में तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम, ये चारों शक्तियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। ब्रह्मचारिणी की आराधना साधक लोग करते हैं कुंडलियां जागृत करने के लिए। जो भी भक्त माँ की आराधना सच्चे मन से जब करता ध्यान में ब्रह्मचारिणी का, उसकी जो कुंडलियां होती हैं, सात चक्र जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इस सातों चक्र में से कुंडलियां जागृत होने में शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि शक्ति का स्वरूप ही ब्रह्मचारिणी है, तो बहुत जल्दी जागृत होती है। ब्रह्मचारिणी जो माँ है, उन्हें गुड़हल का फूल और कमल का फूल बेहद प्रिय है, बेहद प्रसन्न है माँ। माँ को गुड़हल का फूल और कमल का फूल जब अर्पण करेंगे तो माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। माँ ब्रह्मचारिणी नारद जी के कहने से तप करने के लिए हिमालय गई, हिमालय में तप किया और शिव को पाने के लिए, शिव को पाने के लिए जब उन्होंने तप किया और शिव उन पर प्रसन्न हुए, तो माँ शिव ने प्रदान भी दिया, आशीर्वाद भी दिया कि जो भी भक्त तुम्हारी आराधना करेगा उसे भी आपके जैसे शक्ति प्रदान होगी तप करने में, और संयम और दृढ़ता प्राप्त होगी। अभी हम माँ का ध्यान करते हैं तो मन भटक जाता है, लेकिन जब ब्रह्मचारिणी के चरणों में चले जाएंगे, हम अर्पण करेंगे इस मनोकामना के साथ, तो आप में शक्ति अपने आप ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। माँ को प्रसन्न करने के लिए भोग क्या लगाएं? भोग लगाने के लिए चीनी, मिश्री, पंचामृत, दूध, दूध से बने हुए व्यंजन माँ को बेहद प्रिय है। माँ की एक हाथ में कमंडल है, दाहिने हाथ में माता की माला है, तो बाएं हाथ में माँ के कमंडल विराजमान है, और माँ बिना अपने वाहन के चल रही हैं, क्योंकि तप का जो स्वरूप है त्याग, बिना वाहन के माँ तप करने बैठी हैं, और माँ की तप, जो व्यक्ति तप करता है उन्हें सारी शक्तियाँ और सारे शत्रु अपने आप शांत हो जाते हैं, और माँ की आराधना करने से सारी भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है, और हमें ब्रह्मचारिणी माँ की तप करना चाहिए और सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। जब तप करने बैठें तो आप सफ़ेद वस्त्र जरूर बैठें, सफ़ेद चंदन लगा लें, सफ़ेद भस्म हो तो भस्म का चंदन लगा लें, ज़्यादा अच्छा होगा, वरना सफ़ेद चंदन लगा लें। माला रुद्राक्ष की होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला लेकर के गले में डालें या उससे जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः। इस माला से आप जब जाप करेंगे तो माँ ब्रह्मचारिणी आपको बेहद प्रसन्न होती हैं, और अपने भक्त को मनवांछित फल प्रदान कर करके भक्त को अभय प्रदान करती हैं। ब्रह्मचारिणी से हमारे अंदर त्याग और दृढ़ता की प्राप्ति होती है। मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज, जय माता दी।